I'm a flex on my ex, flex on a hoe. You still be in my ass, so I'ma let. Hello, ji, assalamu alaikum. So, good afternoon, first of all. Because now it's 1:30 ho rahi hai aur main subah utha tha 11 baje. Abhi mere nashte ka time hai. Main jab se utha hu, main tab se apne bed par hi hu aur dil nahi kar raha. Sardiyan aa gayi hain ab. वही एक सबसे बड़ा सर्दियों का मसला ये होता है कि बेड से निकलने का दिल नहीं करता, और यही सेम सीन मेरे साथ एक हफ्ते से भी हो रहा है. और वो ये है कि मैंने सोचा था कि अगले 4-5 महीने मेरे पास टाइम होगा तो मैं सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग पे जाया करूँगा ताकि मैं थोड़ा अपने आप को फिट करूँ, क्योंकि घर बैठ बैठ के और हर वक्त बैठ के पढ़ने से ना पेट थोड़ा तौंद बाहर आ गई है. तो कभी मैं अलार्म बंद करके सो जाता हूँ और कभी उठता नहीं हूँ, कभी दिल नहीं करता, कभी मैं किस कोई आके उठाता है तो मैं कहता हूँ कि नहीं आज नहीं कल करेंगे. नींद में पता नहीं कैसे मैं बोलता रहता हूँ. खैर, और आज भी यही हुआ, आज पता नहीं हुआ कि अब मुझे नहीं पता. तो लेकिन ये सीन है यार, और लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग जा रही है, कुछ है ही नहीं करने को. इतने दिनों से मैंने व्लॉग इसलिए नहीं किया. आज मेरे ख्याल से क्या है, थर्सडे है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 3 दिन मैंने नहीं किया. करना चाहिए था लेकिन यार करने को कुछ है ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आती है कि क्या करें. मतलब हर व्लॉग मेरा ऐसी सुबह को शुरू हो रहा होता है नाश्ता. हेलो जी, ये देखें मैं नाश्ता करने लगा हूँ अब जी, मतलब पता नहीं क्या है. खैर, अभी कॉफ़ी और फिर बाकी का दिन शुरू करते हैं. बाय बाय. तो अभी यार मेरी बिल्लियों का खाना ख़त्म हो गया था. मैं नहाने लगा था लेकिन अम्मी ने कहा कि पहले बिल्लियों का खाना ले आओ, कैट फूड जिसको कहते हैं. तो अभी हम कैट फूड लेने के लिए जा रहे हैं. बराबरी पार्टी, आवाम को इलेक्शन लड़ना होगा अगर मुल्क बदलना है. भाई पहले भी आवाम ही इलेक्शन लड़ती है, जिन थोड़ी लड़ते हैं. इतनी सर्दी में हाफ स्लीव क्यों पहनी हुई है, तो उसकी वजह ये है कि मुझे ज़्यादा सर्दी नहीं लगती. मैं ज़रा गर्म टाइप का बंदा हूँ, और अभी हालांकि मैं नहाया लेकिन मैंने हाफ स्लीव पहनी हुई, लेकिन मुझे सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही है. और पहले कि मैं एक बात बताता हूँ, यू वॉन्ट ट्रस्ट मी, तो सीन ये होता था कि मैं नहा के निकलता था और हाफ स्लीव शर्ट पहन के मैं बाहर धुंद में खड़ा होता था अपने दोस्तों के पास. तो ये भी दिन थे, लेकिन अब खैर वो दिन जा चुके हैं. अब बाहर निकलता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ऊपर पहन लेता हूँ, लेकिन मुझे घर में सर्दी नहीं लगती है. अच्छी बात है ना, सर्दी के कपड़े नहीं खरीदने पड़ते. वो भी मेरे जितने भी सारे मेरे कपड़े हैं, इनको ये सिर्फ मेरी वार्डरोब में ना नीचे पड़े हुए थे, तो इन कपड़ों को भी मैंने हैंगर पर लटकाना है, क्योंकि मुझे अपनी वार्डरोब्स मैनेज हुई हुई अच्छी लगती हैं, सफाई सुथराई. सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं अपनी वार्डरोब में. अच्छा, अभी मैं थोड़े दिन पहले मैंने आपको मैं बताता हूँ. अच्छा, तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले मैंने जो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने कहा था कि मैं एक टूर पे जा रहा हूँ, जिसकी मुझे अम्मी अब्बू से मैंने परमिशन लेनी है. तो क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी अब्बू से परमिशन के बगैर तो मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी जाने की, तो मुझे उस ट्रिप पे जाने की इजाज़त
मिल चुकी है, और मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन तक मैं उस ट्रिप पे जा रहा हूँ, और वो 3 दिन 2 रातों का ट्रिप है, तो इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा। तो उसको मैं अब सोच रहा हूँ कि या तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 3ों दिन का एक ब्लॉग बना दूँ, दूसरी ऑप्शन ये है कि हर रोज़ का एक एक ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे एडिट नहीं कर पाऊँगा, तो एडिटिंग फिर मैं बाद में करूँगा और व्लॉग मैं ज़्यादा बनाऊँगा, सोचेंगे बाद में इसके बारे में भी, अभी तो खैर जाने में टाइम है, तो इसके बारे में भी देखते हैं कि क्या सीन है। ये बालों को लगता है ऑयल लगाना पड़ेगा, वरना ये जो मेरे बाल हैं ना ये अजीब बहुत गंदा है यार। ये सर्दियों का एक तरह से समझ लें मेकअप होता है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका मुंह ब्लैक और वाइट सा हो जाएगा, कहीं से काला कहीं से वाइट। 3 hours later तो अभी मैं दोस्त की तरफ गया था और वहाँ से फिर मैंने सोचा कि थोड़ी वॉक भी कर ली जाए, तो एक थोड़ा सा राउंड लगा के तो मैं वापस आ गया हूँ, और अब कुछ भी नहीं है करने को, अब ऐसे ही थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह यूज़ करूँगा, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह मैंने मुझे चाहिए थी तो वो करने के बाद फिर दिन ख़त्म, बस ये दिन था हमारा। मैं अचानक बाहर निकला ताले लगाने के लिए, और बाहर का सीन ये चेक करें, ये देखें ज़रा, वही सर्दियाँ आ गई हैं, अच्छी खासी धुंध हो चुकी है।